हेलो एवरीवन, आज हम 24th वर्कशीट करेंगे 3rd सितंबर की साइंस की क्लास 9th की। आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में माइटोकॉन्ड्रियल वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस होगा आज। जिज्ञासा दीदी, वेयर डज अ सेल गेट्स एनर्जी? सेल को जो लाइफ में प्रोसेस करता है वो रेस्पिरेशन वगैरह, इनके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तब उसकी दीदी कहती है, ज्ञान दिस वर्क इज परफॉर्म बाय सेल ऑर्गेनी नोज एज माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी दीदी बताती है, इनमें सेल ऑर्गेनली होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, वो ये वर्क करती है। जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई केमिकल एक्टिविटी करना जिससे कोई कोई नई सेल ऑर्गेनली या सब्सटेंस बने, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और ये केमिकल प्रोसेस से एटीपी बनाता है, जो कि करेंसी ऑफ सेल होते हैं, एनर्जी करेंसी। एटीपी में ही एनर्जी होती है, जो कि कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी प्रोड्यूस करके, तभी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी फॉर्म होती है। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को फॉर्म करता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। बॉडी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए इसकी एनर्जी यूज करती है एटीपी की, और एटीपी जो है वो करेंसी सेल है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, उसका जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? वो बहुत ही पोरस होती है। पोरस कैसा होता है? वो बहुत ही पोरस होती है, थोड़ी नरम टाइप की होती है, बहुत अच्छी होती है उसकी, पोरस होती है। वाइल जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी डीप होती है, वो गहरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए और राइबोसोम है, इसलिए ये प्रोटीन भी बना पाता है। अब दीदी, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल? अब दीदी बताती है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड और एनिमल्स इन प्लांट सेल। तो दीदी बताती है, वैक्यूल्स छोटे छोटे साइज में होते हैं या फिर होते ही नहीं है एनिमल सेल में, बट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं और सेंटर में रोकेट करते हैं। ये प्लांट सेल में बहुत सारी प्रोसेस फॉर्म करते हैं, ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये कई सारे स्टोर करते हैं सब्सटेंस, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, शुगर जैसी चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सैप सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो है, ये वैक्यूल का जो सारा सामान होता है इसे साइटोप्लाज्म से दूर रखती है। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी वैक्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत सारे रोल प्ले करते हैं एक्सेस वाटर में और वेस्ट आउट करने में सेल से। क्वेश्चंस, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी इज रिलीज फॉर द फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड वेरियस सेल एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट, वैक्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेल। नेम द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट सेल, दे ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सेल। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, राइट, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडोनोसाइन ट्रीफोस्फेट। नेम थ्री सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, एमिनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन और शुगर। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।